25th August, और मैं निकल पड़ा देवाभूमि उत्तराखंड के लिए। एंड दिस इज हाउ आई ट्रेवल 1536 किलोमीटर ऑन कुंभो एक्सप्रेस टू रीच हरिद्वार। ऑल राइट, तो मैं अभी पहुंच गया हूँ कोलकाता का हावड़ा स्टेशन में। मैं पकड़ने वाला हूँ कुंभो एक्सप्रेस 12369 कुंभो एक्सप्रेस, जो 1 बजे छोड़ेगा हावड़ा स्टेशन से। तो बेसिकली हावड़ा से हरिद्वार जाने वाला ट्रेन तो है बहुत सारे, पर इस ट्रेन में आप पहुंच सकते हो सबसे जल्दी। इट विल टेक ओनली 26 आवर्स 50 मिनट्स टू रीच हरिद्वार फ्रॉम हावड़ा। ट्रेन में चढ़ के सीट तो मिल गया, पर ट्रेन छोड़ा 11 मिनट लेट। बट फाइनली गाड़ी जब स्पीड पकड़ा, हम लोगों का भी शुरू हो गया। एक्सप्रेस का भाड़ा कितना है वो तो मैं बताऊंगा, पर अभी क्या हुआ देख लो। मेरे सीट के पास जो ग्रुप था उसमें से एक बंदा कुछ खाना बनाना स्टार्ट किया, तो ये सीन मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। एंड बाद में वो मुझे भी खाना ऑफर किया, एंड दैट वाज रियली नाइस। तो ऐसे ही नए लोगों के साथ मिलजुल के बातें करते हुए मस्ती मजाक में ट्रेन में पहला दिन गुजर गया। नेक्स्ट डे सुबह उठ के पता चला ट्रेन अभी भी 1 घंटा लेट। तो जो भी हो, टाइम तो निकलना पड़ेगा ना। तो भाई आ गया कुंभो एक्सप्रेस का टॉयलेट देखने। दिस ट्रेन हैज 2 वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट एंड 2 इंडियन स्टाइल। इट वॉज क्लीन एट रेगुलर इंटरवल बाय द ट्रेन स्टॉप। सब कुछ बढ़िया। वॉशरूम से लौटने के बाद देखा इधर माहौल पूरा बना हुआ है। तो चलो अभी जान लेते हैं कुंभो एक्सप्रेस का भाड़ा कितना है। इसका स्लीपर क्लास का भाड़ा है 665, 3 टीयर AC का 1735, 2 टीयर AC का 2490 एंड फर्स्ट क्लास AC का 4230 रुपए पर पर्सन। ट्रेन 2 घंटा लेट था, फिर भी जो मजा आया इस 1536 किलोमीटर के जर्नी में, उसके लिए सब कुछ माफ। उत्तराखंड की हरिद्वार, जिसको गेटवे ऑफ केदारनाथ भी बोला जाता है, उसको पास से देखने का, महसूस करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का सपना था मेरा बहुत दिनों से। एंड टुडे इज द डे टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हरिद्वार। तो मैं अभी खड़ा हूँ हरिद्वार स्टेशन के सामने। ट्रेन लेट था, 2 घंटा लेट था, तो अभी पहुँच गया हूँ। सामने बहुत जर्नी बाकी है। सो वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। हरिद्वार की हरकी पौड़ी घाट का आरती तो वर्ल्ड फेमस है, तो स्टेशन से ही मैं सीधा चला आया घाट के पास आरती देखने के लिए। हरिद्वार आने के बाद अभी शुरू होगा मेरा लॉन्ग अवेटेड जर्नी टू केदारनाथ, पर पहले चलते हैं एक होटल ढूंढने। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ हरिद्वार की होटल के 3rd फ्लोर में, और मेरा रूम है लाइक दिस। दिस इज द होटल रूम, 784 का ये रूम है 1 नाइट के लिए। AC भी है, वॉशरूम में गीज़र भी अवेलेबल है। सही है, मतलब 1 रात के लिए तो ठीक ठाक ही है। और इसके साथ एक
छोटा बैल्कनी भी है। तो ये होटल स्टेशन से बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल 7 मिनट लगता है। तो अभी फ्रेश होने के बाद हम लोग थोड़ा निकलेंगे और पता लगाएंगे कि केदारनाथ के लिए कौन सा बस छोड़ेगा और बस कितने बजे आएगा, कितने बजे हम लोगों को पहुंचना चाहिए। होटल में थोड़ा फ्रेश होके मैं आ गया सोनप्रयाग के बस बुक करने हरिद्वार स्टेशन के पास। तो मैं अभी बुक कर रहा हूँ केदारनाथ के लिए बस। तो ये भैया बुक कर रहे हैं, तो आप लोग भी आ सकते हो इधर हरिद्वार में, इस भैया के पास से आप बुक कर सकते हो बस, और शेयर कार्ड भी भैया देते हैं। पर हेड बस का टिकट है 700 रुपये। सुबह 4-4:30 बजे ये बस छोड़ेगा हरिद्वार से। बस बुक करके हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। जल्दी खाना खा के होटल पहुंचना है, ऐसे कल सुबह 3 बजे उठ के रेडी होना पड़ेगा। सो फाइनली आई एम हेडिंग टूवर्ड्स केदारनाथ धाम, द ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर मेनी। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा केदार जी का दर्शन और रहेगा केदारनाथ यात्रा की हर डिटेल्स। अगर केदारनाथ ट्रेक का ट्रेलर देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में मेंशन वीडियो से।